प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति, आप देख रहे हैं News 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, आपके लिए RK प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास उदयपुर। युगांडा में बंधक बनाए गए मुकेश को पुलिस ने किया दस्तयाब, अपहरण करने वाले गिरफ्तार, परिजनों और समाज में छाई खुशी की लहर। जंजीरों में बांधकर युवक को लाए अस्पताल, परिजन बोले बीमारी के चलते किसी पर भी कर देता है हमला, बांध कर रखना मजबूरी। पैंथर के खौफ में राठौड़ों के गुड़ा में जिंदगी, स्कूल बना छावनी, बच्चों का स्कूल जाना बंद, पैंथर से मुक्ति के लिए ग्रामीण लगा रहे हैं गुहार। और बच्चियों और लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाने की ट्रेनिंग, नवरात्रि के मौके पर हो रहा है आयोजन। युगांडा में फंसे भारतीय व्यक्ति मुकेश मेनारिया के तंजानिया बॉर्डर पर सकुशल मिलने की सूचना के बाद उनके परिजनों और समाजजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुकेश मेनारिया को लेकर मंगलवार को आई खुशखबरी के बाद विप्र सेना ने भी संतोष जाहिर किया है। स्थानीय पुलिस को वो तंजानिया के बॉर्डर से सकुशल मिल गए हैं, वहीं अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उदयपुर के मुकेश मेनारिया कई साल पहले युगांडा गए थे। वो ओसवाल परिवार के यहाँ रसोई का काम कर रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले भारत आने की इच्छा जताई तो ओसवाल परिवार ने मुकेश का पासपोर्ट लेकर उन्हें बंधक बना लिया। जब ये जानकारी उनके परिवार वालों को मिली तो मुकेश का बेटा विष्णु मेनारिया युगांडा गया और पुलिस में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उदयपुर में विप्र समाज ने भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस को सफलता मिली और युगांडा पुलिस ने मुकेश मेनारिया को तंजानिया बॉर्डर से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने मुकेश मेनारिया को अपने साथ ले जाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश मेनारिया के सकुशल मिलने की जानकारी उदयपुर में मिलने पर सभी परिवार और समाजजन में खुशी का माहौल है। उनके पुत्र ने बताया कि वो जल्द अपने पिता के साथ स्वदेश लौटेंगे। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी, मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा, तेरी माँ? वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर, रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। एक युवक को जंजीरों में जकड़े हुए अस्पताल लाते देख हर कोई अचंभित था। युवक के साथ आए उसके परिजन ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होने से वो अक्सर हमलावर होते हुए किसी को भी नुकसान पहुंचा देता है, इसीलिए उसे अधिकांश समय जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता है। जंजीरों से बांध कर लाए जा रहे इस युवक को उसके परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए हैं। परिजनों का कहना है कि युवक काफी समय से बीमार है और अक्सर रोष में आकर किसी पर भी हमला कर देता है। कई बार इस तरह की घटनाएं होने के बाद उसे जंजीरों में बांध कर रखना उनकी मजबूरी हो गई है। युवक के परिजनों ने कहा कि इलाज कराने के लिए वो अस्पताल लेकर आए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उसका इलाज हो और वो भी सामान्य इंसानों की तरह सबके साथ मिलजुल कर रहने लगे। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद उनके द्वारा जो भी परामर्श दिया जाएगा उस पर अमल करेंगे ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ हो सके। उन्होंने बताया कि इलाज के अभाव में युवक को लोहे की जंजीरों से बांध रखा है। कहाँ से लाए हो इसको इलाज के लिए? ये पार्टी के माल से। इसका नाम क्या है? सगन, इसका पापा का नातू। तो इसको जंजीर में क्यों बंद है? इसका इलाज करवा के लाए हम, ये बहुत जाते हैं। तो जंजीर में क्यों बंद है? बंद है क्यों इसको? इसको इलाज करने के लिए पागल हो गए। आपका नाम क्या है? पिंटू। क्या लगता है आपके? ये हमारा अंकल लगता है इसका। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। गुलाबबाग के गार्ड को बंधक बनाकर चंदन के पेड़ चोरी करने वाली गैंग के एक और आरोपी को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में चंदन चोरी के कई मामले दर्ज हैं और आरोपी जमानत पर चल रहा था। आरोपी से पूछताछ करते हुए मामले की तफ्तीश की जा रही है।
उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस को गुलाबबाग के गार्ड दशरथ सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वो और उसका सहकर्मी राजकुमार कुमावत 17 जुलाई की रात को गुलाबबाग में ड्यूटी कर रहे थे। रात करीब 3 बजे गुलाबबाग में 6 अज्ञात व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांध कर आए और दोनों को धारदार हथियार की नोक पर धमकाते हुए बंधक बना लिया। आरोपियों ने दोनों को बांध कर मुख्य गेट के गुलाबबाग के पीछे की तरफ ले जाकर बैठा दिया और आरोपी गुलाबबाग गेट के पास स्थित पार्किंग के पास से 2 बड़े चंदन के पेड़ काटकर ले गए। पुलिस ने पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चंदन और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया था। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह चौहान और उनकी टीम ने प्रकरण में एक और आरोपी हाकिम खां और छोटू निवासी बावड़ी दरवाजा निकुम थाना निकुम जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स हिरण मगरी सेक्टर 5 मेन रोड उदयपुर। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र के कलवाना गांव में गंभीर घायल अवस्था में एक जंगली जरख मिला है। ग्रामीणों द्वारा झाड़ियों में जरख को देखने के बाद ये संदेह हुआ कि वो एक पैंथर हो सकता है, जिसके चलते उस पर पत्थरों से हमला किया गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जरख को ट्रैंकुलाइज कर उसे सायरा वन विभाग ले जाया गया। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र के कलवाना गांव के लोगों ने जंगली जरख को पैंथर समझकर उस पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके चलते जंगली जरख गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर जरख के पास बड़े बड़े पत्थर पड़े मिले, जिससे ये अंदेशा है कि ग्रामीणों ने इसे पैंथर समझकर इस पर हमला किया हो। जरख की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। जरख की स्थिति देखने के बाद ये सूचना पर आसपास गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने तुरंत सायरा वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जरख को ट्रैंकुलाइज कर उसे सायरा वन विभाग कार्यालय ले जाया गया, जहां से उसे उदयपुर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया और वहां उसका प्राथमिक उपचार जारी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जरख की हालत चिंताजनक है, लेकिन उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले की एसपी मोनिका सेन ने थाना अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। इसमें 8 थाना अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है और सभी अधिकारियों को शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी मोनिका सेन ने स्थानांतरण लिस्ट जारी करते हुए 8 थाना अधिकारियों की तबादला किया है। इसमें थानाधिकारी तेज सिंह को धम्बूला से आसपुर, हरेंद्र सिंह सोड़ा को आसपुर से सदर डूंगरपुर, गिरधारी सिंह को सदर से साइबर थाना, सुनील कुमार को साइबर थाने से 84 थाना, मोहम्मद रिजवान खान को 84 से धम्बूला, रघुवीर सिंह को कुआं से निठाउआ थाना, भवानी सिंह को निठाउआ से उप निरीक्षक सदर डूंगरपुर, रामिंग पाटीदार को पुलिस लाइन से थानाधिकारी कुआं लगाया गया है। एसपी मोनिका सेन ने सभी थानाधिकारियों को चोरी, लूटपाट, पत्थरबाजी जैसी वारदातों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थानाधिकारियों के बाद एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के ट्रांसफर की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। उदयपुर जिले के गोमुंदा स्थित राठौड़ों का गुड़ा में लगभग पिछले 15 दिनों से पैंथर की दहशत के चलते ग्रामीणों का जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ बच्चे स्कूल जाने के बजाय घरों में कैद होकर रह गए हैं, तो वयस्क और कामकाजी महिला पुरुष भी अपने काम धंधे पर नहीं जा पा रहे हैं। हद तो ये है कि अगर कोई गांव से बाहर जाता भी है तो हाथ में लठ लेकर निकलता है और सूर्यास्त होने से पहले अपने घर वापस आ जाता है। देखिए हमारे संवाददाता यूनुस खान की विशेष रिपोर्ट। राठौड़ों का गुड़ा का सरकारी स्कूल इन दिनों स्कूल कम और कैंप ज्यादा दिखाई देता है। यहीं से ही हर रोज आदमखोर पैंथर को पकड़ने की रणनीति तैयार की जाती है। पुलिस के जवान हो या वन विभाग के कर्मचारी, यहां से अपने अधिकारियों से दिशा निर्देश लेकर निकल पड़ते हैं आदमखोर की तलाश में। पिछले 15 दिनों से यही क्रम जारी है, लेकिन अब तक विभाग के हाथ खाली ही हैं और पैंथर अभी भी इनकी पकड़ से दूर है। इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए रोज सुबह और शाम के समय जंगलों में अलग अलग टीमें तैयार कर भेजी जा रही है। साथ ही जंगल में कुछ कर्मचारियों को मचान पर बैठकर निगाह रखने की जिम्मेदारी दी जाती है और कुछ कर्मचारी घरों की छतों से
पैंथर के मोमेंट पर निगाह गड़ाए हुए रखते हुए वहीं रात भी बिता रहे हैं। इधर लाउड स्पीकर के माध्यम से भी पैंथर को लेकर ग्रामीणों को लगातार आगाह किया जा रहा है। गांव में इतना सरकारी लवाजमा होने के बाद भी पैंथर पकड़ से दूर है। आदमखोर का शिकार हुए गांव के पुजारी विष्णुपुरी के भाई ने बताया कि गांव में पैंथर के आतंक से बच्चे और उनके अभिभावक भी डरे हुए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बड़े अपने काम पर जाने से पहले सभी सावधानियां बरतते हुए घर से निकल रहे हैं। खेत सिंह ने बताया कि प्रशासन पैंथर को पकड़े या मारे, बस उन्हें इससे जल्द से जल्द निजात मिलनी चाहिए। वहीं दूसरा शिकार हुई कमला कुंवर के जेठ खेत सिंह ने मांग की कि उन्हें सरकारी मुआवजे के साथ ही बंदूक का लाइसेंस भी दें, ताकि कभी पैंथर हमला करे तो वो अपनी और अपने परिवार की हिफाजत खुद कर सकें। घटना ये कि सुबह अगले दिन हमारे राठौर को बड़ा घटना हुई महाराज के वहाँ पे। तो पहले मेरी डिमांड है मतलब का हमारे को सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए, राज्य सरकार से और कलेक्टर साहब से निवेदन है, विधायक से निवेदन है। उसके बाद में जहाँ घटना हुई है लास्ट दिन 1 तारीख को वहाँ मवेशी बांध के हम 7 बजे मवेशी खोलना चालू किया और 7:30 बजे तक पूरी बनती है, घास डालते बांधते 20-25 नंगे, तो बकरी भी है गाय भी है तो बांधते बांधते भैंसे भी है बैल भी है तो बांधते बांधते टाइम लगता है। और लास्ट में 3 जने बांध रहे और 1 जना खोल रहा है और लास्ट बैल बांधा और चीते ने घास में से अटैक कर दिया तो पकड़ के ले जा रहे थे हम पीछे पीछे भागे 3 जने, मेरी मिसेज, मैं और उसकी खुद की लड़की, लड़की के सामने चीता हो गया है और मैं पीछे था लट उठाया तो क्या वो चीता उस बॉडी को छोड़ के उसकी सवे की बच्ची के सामने हो गया, मृतका जिसके कमला कुंवर के सामने, तो बच्ची भी बच गई और चीता बच्ची अपसेट हो गई। अभी मेरे ससुराल है, आज 7 दिन हो गए इलाज चल रहा है और कल परसों मेरे को विधायकों ने इन्होंने बोला पटवारी साहब ने कि भाई आप लड़की को यहाँ लाओ, तो मैंने 2 जने को पकड़वा के गाड़ी पर यहाँ लाइए और बैंक का वो कोई नाम चेंज करवाने के लिए बुलाया तो यहाँ पर आया था, आज मैंने करवा दिया ठीक है। अब वो बोल रहे बोले 5 ही लाख आएंगे, तो 5 लाख में क्या 2 बच्चों का माँ बाप नहीं है तो कोई अपराध हो जाएगा। ये बच्चा है 13 साल का भी हुआ है, 13 साल पहले इसका पापा ऑफ हो गया ठीक है। बाकी ये जो अपने जो मांगे अगर पूरी करें तो बेस्ट है, नहीं तो फिर ठीक है, रोजगार नहीं है बिल्कुल। आज 13 दिन हो गए, क्या खा रहे, मवेशी अंदर बंदी है, खड़ी फसल डाल रहा हूँ मैं मवेशी को और मेरा गाँव से 91 मकान है, रोड पास से जा रहा है, प्रशासन पूरा है जो रोड बैठा है, पर हमारे यहाँ पे खाली आते उनकी भी व्यवस्था मेरे को करनी पड़ रही है। और अभी जब 30 तारीख को वो पैंथर अटैक हुआ था उसके बाद लगातार कम से कम 4 दिन से हम जंगल में रोज़ जाके ढूंढ रहे हैं, पुलिस के जवान भी हमारे साथ है, पर आज 7 तारीख हो गया है पर पैंथर कम से कम 3 से 4 बार दिख भी गया है पर वो ना ट्रैकुलाइज हुआ ना उसका शूट हुआ ना कुछ भी नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं आया, काम धंधे कुछ भी नहीं, सारे बंद है। अभी घर से 4 बजे के बाद निकल नहीं रहे, सुबह 10 बजे से पहले घर से बाहर निकलते नहीं है, काम धंधे पे कैसे जा सकते हैं, ना गाय भैंसे बाहर जा रही है ना कुछ भी नहीं, सारे घर में कैद है, पूरे गांव वाले कोई काम पे नहीं जा रहा है। अभी अभी चल रहा है जिसके स्टॉक होगा वो कर रहे हैं, भाई गाय भैंसे जिसके बाहर भाड़े में हैं तो वो कर रहे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ के वापस आ रहे, बस कहीं बाहर आना जाना नहीं है। क्या चाहते हैं जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, पैंथर पकड़ा जाए, जो भी करे शूट करे बस करे, खाली बातें नहीं बने और न्यूज़ सुबह हमें खाली ये न्यूज़ देखने नहीं मिलेगी आज वो हुआ ये हुआ, कम से कम ये सुनने में पकड़ा गया है कुछ हुआ है उसका। छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी लड़कियों तक सभी अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना सीख रही हैं। आयोजक हितेश शुक्ला ने बताया कि शक्ति की आराधना के नाम से हमने बेटियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर रखा है, ये 9 दिन के लिए रखा गया है, बेटियां अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें इसके लिए ये आयोजन रखा गया है। पूरे देश भर में सबसे अनूठा ये आयोजन मंदसौर में ही रखा गया है। उन्होंने कहा बेटियों को कई समस्याएं आ रही हैं, विकृत मानसिकता के लोग उन्हें रोकने पर अड़े हुए हैं, हमने सोचा कि हम बेटियों को ही मजबूत बनाएं। मेरा नाम मीता मनवानी है, मंदसौर से आ रही हूं शास्त्रीय प्रशासन से सीखने के लिए। आजकल जैसा माहौल है और जैसे कि कहा गया है कि अब स्त्रियों को भी शस्त्र उठा लेने चाहिए, तो इस हिसाब से सबको इसकी आजकल की जनरेशन को सबको जरूरत है इस चीज की, रील्स वगैरह सबका ट्रेंड है उसका सब फॉलो करते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है आत्मरक्षा, और आत्मरक्षा के लिए आज ये सब सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं
कि हम इसको अच्छे से सीखेंगे। संस्था युवा धर्म के माध्यम से हम इस आयोजन को कर रहे हैं। वर्तमान दौर में बेटियों का बाहर निकलना आवश्यक है और इस चुनौती के दौर में जब विकृत मानसिकता बेटियों की प्रगतिशीलता में बाधक बनकर के उनके साथ गलत व्यवहार दुर्व्यवहार की घटनाएं आम हो रही है, ऐसे चुनौती से सामना करने के लिए हम चाहते हैं कि बेटियां आत्मनिर्भर बने, अपनी लड़ाई स्वयं लड़े और माता पिता भी इसको लेकर के आश्वस्त रहे कि हमारी बेटी बाहर जा रही है तो वो आत्मनिर्भर है, अपनी रक्षा करने में मतलब सक्षम है। शक्ति की आराधना हमने इस आयोजन को नाम दिया है क्योंकि 9 दिन हमारे यहाँ शक्तिशाली दिवस के रूप में जाने जाते हैं और माँ शक्ति भी स्वयं शक्ति का प्रतीक है, असुरों का संहार करती रही है, ऐसे ही आसुरी शक्ति के प्रतीक लगे का विरोध करने की ताकत बेटियों में आए, इसलिए ये पूरे देश में पहली ऐसा आयोजन है जो इस प्रकार का मंसूर में हो रहा है। हितेश शुक्ला ये हमने इस आयोजन में पूरा आत्मनिर्भर नारी का जो थीम ली है उसमें हमने पहले दिन ऑटो चलाकर परिवार पालने वाली महिलाओं को बुलाया, एक दिन स्वच्छता प्रहरियों को बुलाया, एक दिन हम डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, ऐसे महिला शक्ति को ही हम इस आयोजन में आरती के लिए बुला रहे हैं। पॉलिटिकल वगैरह नहीं, गैर राजनीतिक आयोजन है। पूरा बांसवाड़ा शहर के खेल मैदान में चल रहे दशहरा के मेले में मेला संवेदक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दशहरा मेले में लगाए गए सभी झूले अवैध रूप से चल रहे हैं, एक भी झूले को लेकर एनओसी नहीं ली गई है। बिना उपखंड अधिकारी के अनुमति के झूलों का संचालन कर लापरवाही बरती जा रही है। मामला सामने आने पर नगर परिषद आयुक्त ने संवेदक को नोटिस दिया है। बांसवाड़ा शहर के खेल मैदान में दशहरा मेला शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं। पिछले 5 दिनों से मेले में बिना अनुमति के झूले चलाए जा रहे हैं। हद तो ये है कि नगर परिषद और प्रशासन को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। आयुक्त मोहम्मद सोहेल शेख ने बताया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति लापरवाही की स्थिति को देखते हुए मेला संवेदक को नोटिस जारी किया है। अगर नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं आया तो कार्रवाई की जाएगी। मेले में इस समय करीब 15 झूलों का संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक मेला शुरू करने से पहले सुरक्षा के तौर पर झूलों के फिटनेस जांच के साथ उपखंड अधिकारी से एनओसी की जरूरत होती है। उन्होंने मामले में मेला संवेदक से संपर्क साधा लेकिन बात नहीं हो सकी। दशहरा मेले के लिए जो हमने वेंडर्स को नियुक्त किया था उन से अभी भी हम नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण ले रहे हैं कि उन्होंने अनुमति ली नहीं थी श्रीमान एसडीएम साहब से और जो झूले लगे हुए हैं उन झूलों के सुरक्षा मानक के उन्होंने पूरे किए नहीं किए। इस संबंध में हमने संबंधित को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के उपरांत अगर इनका जवाब संतोषप्रद नहीं आए तो इस उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सर कितने दिन से मेला लग गया अब तक? मेला अभी लगाए हैं 3-4 दिन हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। तो उन्होंने अपनों को बताया था कि भाई हमारी विज्ञप्ति सभी ले ली हमने अनुमति, अब उनसे हमने विज्ञप्ति अनुमति मांगी है। और देखिए मेला जो है वो आम जन के लिए होता है और आम जन की मनोरंजन के लिए सुरक्षा के लिए होता है, तो उसके लिए हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि मेले के अंदर हर चीज सुरक्षा के रूप से सही हो और इसका भरपूर जो है लुत्फ उठाया जाए। तो ये एसडीएम ऑफिस से पता चला है कब तक नहीं लिए इन्होंने मेजूलों को लेकर? अभी हम मालूम करवा रहे हैं, वेंडर से हम मालूम करवा रहे हैं, ये मुझसे कार्रवाई करेंगे हम वेंडर से। बारिश के दौरान सिसारमा नदी से बहकर आई जलीय घास पिछोला तालाब की खूबसूरती में बदनुमा धब्बे की तरह नजर आ रही है, जिस पर निगम का कोई ध्यान ही नहीं है। कहने को भले ही निगम ने करोड़ों की लागत से डीवीडिंग मशीन मंगा रखी है, झील की साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन साफ सफाई के लिए आज भी झील हितेशी मंच के लोग ही फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं और वे इस झील की फिर से सफाई करने में जुटे हुए हैं। उदयपुर नगर निगम द्वारा झीलों की साफ सफाई के लिए मोटी रकम खर्च की जा रही है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर किया जा रहा काम कैसा है ये आप खुद देख सकते हैं। लेकिन झीलों में जलीय घास छा जाने के चलते पर्यटकों को ये झीलें मैदान जैसी दिखाई दे रही हैं। जिम्मेदारों को झीलों की ये दुर्दशा दिखाई ही नहीं दे रही। झीलों की इस दुर्दशा से व्यथित झील हितेशी मंच ने एक बार फिर इन झीलों को साफ करने और इस जलीय घास से मुक्ति दिलाने की कोशिशें शुरू की हैं। झील हितेशी नागरिक मंच के संस्थापक हाजी सरदार खान ने कहा कि झील में सफाई के अभाव में गंदगी फैल रही है, साथ ही आसपास रहने वालों को बदबू से परेशानी हो रही है, ऐसे में हमने फिर से साफ सफाई अभियान शुरू किया है। अभी अभी ये बारिश आई तो
इस नदी के बहाव से काफ़ी मात्रा में जलीय घास, जलकुंभी और कचरा बहकर नागर नगरी मस्जिद के पास झील के अंदर इकट्ठा हो गया है और ये बड़ा बदबू मार रहा है और अभी तक प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं की है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से ये जिला प्रशासन अनुरोध है कि इसको तत्काल हटाया जाए, वहाँ से बदबू मार रहा है, आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसको जितना जल्दी उसको हटाया जाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि जाटबड़ी पुलिया पर लोगों ने इसको कचरा पास समझ के वहाँ पे दोनों साइड पर ये रोज़ कचरा डाल रहे हैं क्या, और अभी अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर आदमी खड़ा नहीं सकता है और नया पानी आया हुआ होते भी वो बदबू मार रहा है गंदगी की वजह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन वहाँ पे सीसी कैमरा लगाए और लोगों के चालान काटे, तब जाके कचरा डालना बंद होगा। लेकिन अभी लोग बेखौफ गंदगी डाल रहे हैं, कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है। तो मैं प्रशासन से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि जाटबड़ी पुलियों को भी समझे, वहाँ पर तवज्जो करे ताकि गंदगी डालना बंद हो। शुक्रिया। होटलों वालों को कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो बस अपने कमाई से मतलब है, चाहे भले झील के अंदर कुछ भी गिरे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस वो तो बस कमाई में पड़े हुए हैं क्या। और डीवीडी मशीन वाला भी कभी कभी आता है और वो करता है सफाई, लेकिन इधर तवज्जो कम दी जा रही है। अब बताओ कि बरसात आए वो कितना टाइम हो गया है और वो तमाम गंदगी आके वहाँ पर पथरी भी पड़ी हुई है और वो फैल रही है दिन पर दिन, जलकुंभी भी फैल रही है और जलीय घास भी फैल रही है और बदबू मार रहा है वहाँ पे क्या। भोपाल में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात एटीएस और मंदसौर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ड्रग सप्लाई का काम करता है। बताया जा रहा है आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स को एटीएस और मंदसौर पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का नाम हरीश आंजना है। आरोपी मंदसौर का रहने वाला और एक कुख्यात तस्कर है जो अब पुलिस गिरफ्त में आने के बाद अपना मुंह छुपाता दिखाई दे रहा है। आरोपी ड्रग्स सप्लाई का काम करता है और आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस के कई मामले दर्ज हैं, जिसको गुजरात एटीएस और मंदसौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को गुजरात एटीएस को सौंप दिया है। इसके बाद एटीएस आरोपी को लेकर गुजरात रवाना हुई है। गुजरात जो है एटीएस के द्वारा कल पुलिस मंदसौर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसमें एक हरीश आंजना जो कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है जो कि आरोपी है, उसके संबंध में जो है उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरा ऑपरेशन लीड किया गया। इसमें जो आरोपी हरीश आंजना है जो उसको जो है उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर किसको गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेमसुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो प्रिकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसीटिक एनहाइड्राइड, एचसीएल, ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और जो और अहमदाबाद वहाँ से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं उनके भी नाम सामने आए हैं, तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर, आगे क्या कार्रवाई? अभी जो मंदसौर पुलिस के द्वारा जो जैसा कि गुजरात एटीएस ने सहयोग मांगा था, तो एक आरोपी हरीश आंजना है, मंदसौर पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप करके गुजरात एटीएस को सौंपा गया है। आगे जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर और कार्रवाई की जाएगी। एक और आरोपी जो कि वांछित है अभी प्रेमसुख पाटीदार। अभी जो हरीश आंजना के खिलाफ चार आपराधिक रिकॉर्ड पहले से पंजीबद्ध है। अभी जो इसमें कुछ एनडीपीएस के अपराध हैं, इसमें जो नाहरगढ़ थाना में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इसके अलावा ग्वालियर में एक अपराध एनडीपीएस का पंजीबद्ध हुआ है। तो इस तरह से और इसके अन्य जो दो एनडीपीएस के केसेस अभी तक जो है इसके जानकारी में आए। देखिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी ओपन है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसमें जो भी आरोपी पाए जाएंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो है जहाँ से भी संबंधित उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए?
देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी चार अपराध पहले मंदसौर की बात हो रही है। मंदसौर की मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर चार अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था उसमें भी इसको देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको एसपी साहब ने ये बताया कि एटीएस आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते। मंदसौर में नवरात्रि में एक अनोखा कार्यक्रम चल रहा है। नवरात्रि में बच्चियों के लिए आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण के तहत तलवार और लाठी चलाना सिखाया जा रहा है। यहाँ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग युग धर्म संस्था द्वारा दी जा रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगभग 100 बच्चियां प्रतिदिन आ रही हैं। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने राजसमंद जिले में प्रोजेक्ट सक्षम सखी की शुरुआत की। जिला कलेक्टर असावा ने सक्षम सखी प्रोजेक्ट को ये दिवाली खुशबू वाली के नाम से भी संबोधित किया और बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत राजीविका के अंतर्गत आने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों और संस्थाओं से अपील की कि वे इस दिवाली पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के उत्पाद खरीदकर उनका हौसला बढ़ाएं। कलेक्टर ने इस प्रोजेक्ट के तहत कई उत्पाद लॉन्च किए। प्रोजेक्ट सक्षम सखी के तहत दीपावली के मौके पर एक गिफ्ट पैक लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत 300 रुपये निर्धारित की गई है। इस पैक में मोलेला की मिट्टी से बनी गणपति जी की मूर्ति, चैत्री रोज से निर्मित आधा लीटर गुलाब का शरबत, 100 ml गुलाब जल, 100 ग्राम आंवला कैंडी को जूट के बैग या टोकरी के साथ रखकर इस गिफ्ट हैम्पर को तैयार किया गया है। एक गिफ्ट हैम्पर की कीमत 300 रुपये निर्धारित की गई है। राजसमंद कलेक्टर असावा ने पहला गिफ्ट हैम्पर सेट खरीदकर UPI से उसका भुगतान किया। इसके बाद ADM नरेश बुनकर ने भी एक गिफ्ट हैम्पर का सेट खरीदकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया। राजसमंद जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रोजेक्ट सक्षम सखी के तहत 19 अक्टूबर को विशाल राजीविका मेगा ट्रेड फेयर और क्रेडिट कैंप भी आयोजित होगा जिसमें SHG समूहों को लगभग 11 करोड़ का लोन दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए राजसमंद जिला प्रशासन द्वारा राजीविका के साथ मिलकर सक्षम सखी प्रोजेक्ट्स प्रारंभ किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि महिला उद्यमियों द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको मार्केट लिंकेज प्रदान करना एवं जो स्वयं सहायता समूह नए बन रहे हैं या जो पूर्व में बने हुए हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना बैंकों के माध्यम से। इसी के तहत कल दिवाली के लिए एक गिफ्ट हैम्पर भी लॉन्च किया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये दिवाली खुशबू वाली सभी को खुशबू प्रदान करें और इसके लिए एक राजीविका की महिलाओं के द्वारा ही जो उत्पाद बनाए गए हैं उनका एक गिफ्ट हैम्पर हमारे द्वारा तैयार कराया गया है जो विक्रय के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही 19 अक्टूबर को राजसमंद के अंदर ही एक विशाल मेगा क्रेडिट कैंप कम ट्रेड फेयर हम आयोजित करेंगे जिसमें लक्ष्य है कि कम से कम 401 स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ से अधिक के ऋण उपलब्ध करवाएं एवं साथ में उन महिलाओं के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनका विक्रय प्रदर्शनी हो ताकि दिवाली के शुभ अवसर पर लोग उसे क्रय कर सकें और क्रय के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूह को मार्केट लिंकेज भी मिले। मेरा ये अनुरोध है कि सभी से कि महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग करें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, आपके लिए RK प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास उदयपुर। युगांडा में बंधक बनाए गए मुकेश को पुलिस ने किया दस्तयाब, अपहरण करने वाले गिरफ्तार, परिजनों और समाज में छाई खुशी की लहर। जंजीरों में बांधकर युवक को लाए अस्पताल, परिजन बोले बीमारी के चलते किसी पर भी कर देता है हमला, बांध कर रखना मजबूरी। पैंथर के खौफ में राठौड़ों के गुड़ा में जिंदगी, स्कूल बना छावनी, बच्चों का स्कूल जाना बंद, पैंथर से मुक्ति के लिए ग्रामीण लगा रहे हैं गुहार।
और बच्चियों और लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाने की ट्रेनिंग, नवरात्रि के मौके पर हो रहा है आयोजन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत ज्योति को, आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।